नमस्ते, मैं हूं अमन, आरती का दोस्त। I'm sorry, मैं आप लोगों की बातचीत में इस तरीके से बीच में आ गया, लेकिन जरूरी था। फिर भी अपनी इस बदतमीजी के लिए आपसे माफी मांगता हूं। मैं बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली जा रहा था, और जब तक मैं वापस लौटता तब तक ये लोग मुंबई से भोपाल आ जाते हैं। बस इसीलिए मैंने अपने ड्राइवर के हाथों आरती के कपड़े यश के बीच हाउस पर भिजवा दिए। उसको तभी पता चला, और वो जो सोच रहा है कि मेरे और आरती के बीच में कुछ है, ये ख्याल भी उसको तभी आया होगा। और ये बहुत ऑब्वियस ही बात है, कोई भी ऐसा सोच सकता है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि आरती के कपड़े देखकर ही यश को पता चला होगा? क्योंकि उस दिन 10 अगस्त था, उसी दिन मेरा ड्राइवर यश के बीच हाउस पर गया था। तो 10 अगस्त में ऐसी कौन सी खास बात है? उस दिन यश गुस्से में था और आरती और बच्चों को लेकर भोपाल वापस आ गया। लेकिन यश जी, आप मुझे ये तो बताइए, आप सारा सामान गाड़ी में क्यों रखवा रहे हैं? आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि हम घर वापस जा रहे हैं? लेकिन उसकी टिकट 2 दिन बाद की थी, 12 अगस्त की। हाँ, 10 अगस्त को तो तीज की पूजा थी, और हम सभी आरती और यश भैया को याद कर रहे थे कि काश वो भी हमारे साथ यहाँ होते। इसका मतलब सच में कोई गलत फहमी है। वो कहे कि आरती की गलती या छोटी सी लापरवाही। मेरे भगवान की कसम विधि, तुम भी कितनी भोली हो। ये तो वही बात हुई ना कि एक चोर को तिजोरी का रखवाला बना दिया